अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज आपके भाई का दिल कर रहा है पिज्जा शिज्जा खाने का, तो आपका भाई डियाला रोड इटालियन पिज्जा पे पहुंच चुका है। मुनव्वर कॉलोनी जो स्टॉप है उधर है, मतलब जी इटालियन पिज्जा, ये मदीना मॉल है उसके बिल्कुल सामने है। मैं एक दफ़ा आपको मेन रोड से भी दिखा दूँ। तो ये यार अडियाला रोड मुनव्वर कॉलोनी मदीना मॉल के बिल्कुल सामने है ये इटालियन पिज़्ज़ा। ये एक हिडन रेस्टोरेंट समझ लेके, मतलब आते जाते तेज़ी में अगर कोई बंदा गुजर रहा हो तो उसे नज़र कोई नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई स्लो इंजॉय करता हुआ जा रहा है उसे नज़र आ जाएगा ही। तो बाकी मतलब चलते हैं और अंदर भाई जो होंगे उनसे बात वगैरह करते हैं और जो फेमस चीज़ें होंगी उसके बारे में पूछते हैं। तो बाकी यार ये इनकी डाइनिंग बनी हुई है, डाइनिंग एरिया है। तो ये यार इनका मेन्यू है, ठीक है। ये जो प्राइजेज हैं ये बम्पर ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री वाला हिसाब है, ठीक है। ये वो है, इसके मतलब इनकी प्राइजेज हैं ये। और इसके अलावा ये स्पेशल फ्लेवर्स हैं इनके। बाकी ये बर्गर्स की प्राइस ये बाय वन गेट वन फ्री है, ये इसलिए मतलब इनकी प्राइस है इस तरह। ये जो डील्स है ये ओनली मेंबर्स के लिए। और ये डिस्काउंट डील्स है। अस्सलामुअलैकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है अंकल। कितने टाइम हो गया आपके रेस्टोरेंट को? आपकी जो फेमस चीज है यहाँ की रेस्टोरेंट की वो कौन कौन सी है? मुझे 13 साल हो गए यहाँ पे। 13 साल हो गए। बाकी पिज्जा में ज्यादा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो डबल लाइक करते हैं लोग। उसके अलावा बर्गर भी ठीक है, चाइनीज चौमिन वगैरह ये। बाकी चीज़ें हमारे पास शवरमा पराठा सारी चीज़ें हैं, फास्ट फूड के जितने आइटम हैं बताने। ये जो आपने ये ऑफर लगाई है बम्पर ऑफर, इसका क्या सीन है? ये हमारा मेंबरशिप कार्ड होता है ना, बाय वन गेट वन, रेगुलर पिज्जा 1+1 जो है वो 12 होती है, सिर्फ मीडियम 1+1 वो 22 होती है। तो ये जो आपका एक को लेता है उसका रेट आप हो जाता है, ठीक। तो ये जो आपका मेंबरशिप कार्ड है ये मतलब किस तरह बनता है कार्ड? तो ये हमारी टीम अलग है ना, जो मार्केटिंग की टीम है वो अच्छा वो अलग बनाते हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं, वो जाके वो मेंबरशिप कार्ड बनाते हैं। यहाँ से यार अडियाला ये 20 किलोमीटर है, तो वहाँ तक आना जाना, तो वहाँ तक मतलब इनकी डिलीवरी फ्री। यार अब हमारा पिज्जा आ चुका है, अब ये ट्राई करते हैं। हैवी किस्म का बना हुआ है यार। पिज्जा पहले ट्राई करते हैं, पिज्जा में जिंगर भी रेडी हो रहा है, वो भी ट्राई करते हैं। यार पिज़्ज़ा बड़ा हैवी किस्म का लग रहा है, अब इसे ट्राई करके देखते हैं। गरम पिज़्ज़ा फुल हैवी किस्म का। फुल हैवी किस्म का पिज़्ज़ा बना हुआ है, चीज़ वगैरह एंड हैवी, बहुत हैवी चीज़ लग रही है। यार आपका भी चिकन लगता है, लास्ट में ट्राई करो, बहुत हैवी किस्म का पिज्जा बना। रियल इटालियन पिज्जा इसका नाम है, इटालियन पिज्जा नहीं, रियल इटालियन पिज्जा इस रेस्टोरेंट का नाम है। यार ये अपना जिंगर ट्राई करते हैं, आप इसका पीस वगैरह देख सकते हैं, फुल हैवी क्रिस्पी किस्म का यार ये जिंगर है, फुल जूसी है। तो अब ये ट्राई करते हैं, ट्राई करके इसके टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं। अभी तो फुल हैवी गर्मा गर्म लग रहा है, धुआं वगैरह भी निकल रहा है, आपको नजर आ ही रहा होगा। अब ट्राई करते हैं, फुल हैवी क्रिस्पी है यार। सिंगर भी हमने ट्राई कर लिया, पिज़्ज़ा भी ट्राई कर लिया, माशाल्लाह दोनों चीज़ यार ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है। और पिज़्ज़े के ऊपर जो चीज़ थी बहुत हैवी किस्म की पड़ी हुई थी, और उसके अलावा जो सिंगर है ना हैवी क्रिस्पी है। तो प्राइजेज वगैरह मैंने आपको सारी दिखा दी हैं, तो आपका भी चक्कर लगता है लाजमी ट्राई। बाकी यार आज के ब्लॉग यही एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो। यार ट्राई करने लाजमी आना, हैवी किस्म की पिज्जा की पिज्जा को बच्चों की बड़ी हैवी किस्म की डली हुई थी, जिंगर जो क्रिस्पी था ना मज़ेदार किस्म का। तो बाकी अल्लाह इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।